हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन गुरुकुल। एक बार फिर आप सभी लोग का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि हम सभी को पता है कि 2019 हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण वर्ष है। एक के बाद एक महत्वपूर्ण एग्ज़ाम लगे हुए हैं। अभी हाल फिलहाल में आपका SSC CGL का एग्ज़ाम समाप्त हुआ है। आपके MTS के एग्ज़ाम 2 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं और हमारे मोस्ट अवेटेड एग्ज़ाम 2019 के रेलवे के NTPC और ग्रुप डी के लगे हुए हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस चैनल पर आपके लिए जनरल साइंस और जनरल नॉलेज की टेस्ट सीरीज़ चलाई जा रही है। देखिए, इस टेस्ट सीरीज़ के अलावा भी बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जैसा कि SSC MTS के जो एग्जामिनेशन पैटर्न को देख के एक चीज़ महसूस हुई कि जो करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं उनसे संबंधित क्वेश्चंस काफ़ी सारे पूछे जा रहे हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाया गया है, जो महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ जितनी भी भारत वर्ष के अंदर हैं उनकी सारी डिटेल आपको इस वीडियो में दी गई है। ये आपकी अगस्त 2019 तक की अपडेटेड है। फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे भाइयों ने हमारे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ आप मैथ और रीजनिंग के ऊपर भी वीडियो बनाइए, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ उसके लिए एक सेपरेट चैनल हमने स्टार्ट किया है रीजनिंग एकेडमी के नाम से, जहाँ पर आप जाकर आप जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है वहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। और उस चैनल पर आपको रीजनिंग और मैथ के कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोस, आपकी टेस्ट सीरीज़ और मॉक टेस्ट सारों का इंतजाम आपके लिए किया गया है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और मैं पूरा आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा, आप एक बार उसको देखें ज़रूर। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ जो भी भाई लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि इस टाइप की जो भी वीडियो है सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो स्टार्ट करते हैं, हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, आपने नाम NK सिंह, जो पहला आपका है कि NK सिंह किस पद पर विराजमान है। देखिए, आपके जो NK सिंह है वो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपसे ऐसा ही पूछा जाता है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बताइए, तो लेकिन मैंने जो व्यक्ति है उनका नाम पहले लिखा हुआ है, उसके बाद उनकी अपॉइंटमेंट आपके लिए बाद में आएगी, तो थोड़ा सा आप गौर करिएगा इसमें। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके NK सिंह जी हैं। इंदिरा नुई नेक्स्ट हैं, तो आपकी इंदिरा नुई जी हैं वो आपकी प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो है आपने नाम सुना होगा, उसकी प्रथम स्वतंत्र महिला डायरेक्टर हैं जो इंदिरा नुई जी। उसके बाद आपका इंदु मल्होत्रा, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और कई बार ये आ चुका है इंदु मल्होत्रा जी का नाम, ये आपकी सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली प्रथम महिला वकील हैं। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली प्रथम महिला वकील आपकी इंदु मल्होत्रा जी हैं। वैसे देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस बनते हैं ना करके, जो मैक्सिमम क्या होता है, जो आपके हाई कोर्ट के जजेस होते हैं वो प्रमोशन के आधार के ऊपर वहाँ जाते हैं, लेकिन उसके जज बनने के लिए एक और भी सख्त या योग्यता होती है कि आपने हाई कोर्ट में 10 साल तक वकालत कर रखी हो। अगर आपने हाई कोर्ट के अंदर 10 साल तक वकालत कर रखी है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के अधिकारी हो जाते हैं। तो इसी योग्यता को ध्यान में रखते हुए आपकी इंदु मल्होत्रा जी हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील बनी थी, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रंजन गोगोई जी, मुझे पता है कि बहुत फेमस नाम है, हम सभी को पता होगा, ये हमारे देश के न्यायमूर्ति महोदय, मुख्य सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जिसको बोलते हैं CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तुषार मेहता जी, देखिए आपके तुषार मेहता जी हैं महाधिवक्ता, इसको बोलते हैं सॉलिसिटर जनरल, इनका नाम है जो इनके पोस्ट का नाम है वो है आपका सॉलिसिटर जनरल, ये हैं तुषार मेहता जी। नेक्स्ट है आपका अरुण कुमार, देखिए आपके अरुण कुमार हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी रेलवे सुरक्षा बल के डायरेक्टर, महानिदेशक हैं आपके अरुण कुमार जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सुनील अरोड़ा, ये हैं आपके मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा जी। ये अभी आपके मई के महीने में बहुत चर्चा का विषय रहा था, जब 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे उस समय इनका और अशोक लवासा जी का काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था, आपको पता होगा। तो ये जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो सुनील अरोड़ा जी हैं, और इनका विवाद आपके अशोक लवासा जी से हुआ था, जो भी चुनाव आयुक्त हैं वो भी, और ये आपकी 17वीं लोकसभा के जब चुनाव संपन्न हुए थे, जिसका रिजल्ट आपका 23 मई 2019 को आया था, जिसमें आपकी NDA2 वापस सत्ता में आई थी, तो उस समय इनका विवाद काफ़ी अपने जो सहकर्मी से रहा था लवासा जी से, जिसकी वजह से ये काफ़ी चर्चा में रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अरविंद सक्सेना जी, देखिए ये आपके अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उनके अध्यक्ष हैं आपके अरविंद सक्सेना जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं शक्तिकांता दास जी, बहुत फेमस ये भी हैं। देखिए, जब आपके उर्जित पटेल जी थे RBI के गवर्नर, उन्होंने इस्तीफा दिया था, उसके बाद भारत सरकार ने इनको गवर्नर बनाया था, तो ये आपके शक्तिकांता दास जी हैं, ये गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हैं, और ये NDA 1 के शासनकाल में बने थे, याद रखिएगा, जो इसके पहले की NDA सरकार थी उनके शासनकाल में बने थे ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बृजेंद्र पाल सिंह, ये आपके बृजेंद्र पाल सिंह हैं, ये आपके अध्यक्ष हैं भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संघ, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संघ के अध्यक्ष आपके बृजेंद्र पाल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रणव कुमार दास, देखिए ये आपके प्रवण कुमार दास जी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, इनके आपके अध्यक्ष हैं केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के प्रवण कुमार दास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है संदीप सोमानी, देखिए आपके संदीप सोमानी जी अध्यक्ष फिक्की के हैं, संदीप सोमानी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वीके यादव, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हम रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप रेलवे NTPC और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो उससे संबंधित है, आपके रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं ये आपके वीके यादव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अशोक कुमार गुप्ता, ये आपके अशोक कुमार गुप्ता जी अध्यक्ष हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, उनके अध्यक्ष आपके अशोक कुमार गुप्ता जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कुमार राजेंद्र चंद, देखिए आपके डायरेक्टर हैं सशस्त्र सीमा बल यानी SSB सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक डायरेक्टर हैं कुमार राजेश चंद्र जी। अगला क्वेश्चन आपका है प्रभास सिंह जी किस अपॉइंटमेंट पे हैं, तो ये आपके हैं महानिदेशक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन राइट कमीशन है, उसके अध्यक्ष कौन है आपके प्रभास सिंह जी। अगला क्वेश्चन आपका है राजीव चोपड़ा जी, देखिए आपकी राजीव चोपड़ा जी हैं वो हैं आपके महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर, नेशनल कैडेट कोर आप सभी लोग जानते होंगे, उनके जो डायरेक्टर हैं वो राजीव चोपड़ा जी हैं। अगला क्वेश्चन आपका है ऋषि कुमार शुक्ला जी क्या हैं, आपके ऋषि कुमार शुक्ला जी हैं वो निदेशक हैं केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इनके निदेशक कौन है ऋषि कुमार शुक्ला जी। अगला है आपका PC मोदी, देखिए आपके जो PC मोदी हैं वो आपके अध्यक्ष हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CTBT, इनके अध्यक्ष कौन है PC मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भगवान लाल साहनी, ये आपकी अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इनके अध्यक्ष आपके भगवान लाल साहनी जी हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अजीत कुमार मोहंती, देखिए ये आपके अजीत कुमार मोहंती जी हैं वो हैं आपके निदेशक डायरेक्टर हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक हैं आपके अजीत कुमार मोहंती जी। अगला है पिनाकी चंद्र घोष, बहुत इंपॉर्टेंट और कई बार आ चुका है, इवन ये आपका जो SSC MTS है उसमें फिर ये मैंने क्वेश्चन देखा था, आया था, ये आपके प्रथम लोकपाल हैं, भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष जी हैं और ये रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, याद रखिएगा, और देश के पहले लोकपाल प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन आपका एडमिरल करमवीर सिंह, जैसा कि नाम से स्पष्ट है एडमिरल हैं, तो ये आपके नौसेना प्रमुख, नए आपके जो हाल फिलहाल के नौसेना प्रमुख हैं वो एडमिरल करमवीर सिंह नाम है उनका। अगला क्वेश्चन आपका गार्गी कॉल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, SSC के CGL में क्वेश्चन आया था और साथ में MTS में भी दोबारा भी आया है, ये आपके गार्गी कॉल जी हैं, ये हैं आपके रक्षा वित्त सचिव, रक्षा वित्त सचिव कौन है आपके गार्गी कॉल जी। नेक्स्ट है आपका के नटराजन जी, देखिए आपकी के नटराजन जी हैं वो है आपके डायरेक्टर भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर कौन है के नटराजन जी। अगला क्वेश्चन आपका अरविंद कुमार जी, अरविंद कुमार जी आपके IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख हैं अरविंद कुमार जी। अगला सामंत गोयल, आपके सामंत गोयल हैं रा के प्रमुख, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा जिसको बोलते हैं उसके प्रमुख कौन है सामंत गोयल, और IB के कौन थे अरविंद कुमार जी। नेक्स्ट है आपका NS विश्वनाथ, आपके NS विश्वनाथ हैं वो आपके डिप्टी गवर्नर हैं भारतीय रिजर्व बैंक, और किसका स्थान इन्होंने लिया है, इन्होंने आपका स्थान लिया विरल आचार्य जी, जिन्होंने भी समय से पहले इस्तीफा दे दिया, अपना त्यागपत्र दे दिया था, उनकी जगह पर नियुक्त किए गए हैं आपके NS विश्वनाथ जी, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में केवल इतना है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसको दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो डेफिनेटली मोटिवेशन मिलता है कि ठीक है मेरी मेहनत सही डायरेक्शन में जा रही है। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, चैनल अभी ग्रोइंग स्टेज में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। डेफिनेटली जो भी आपके कंपटीशन एग्जाम है हार मत मानिए, आपको सफलता मिलेगी मिलेगी मिलेगी, हो सकता है शायद आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में ना मिल पाए तो सेकंड में मिलेगी, लेकिन आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।